हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज अंकिता अग्रवाल। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो, आपके सामने GIGL CS एग्जीक्यूटिव की सर्टिफाइड कॉपी है एंड 90 मार्क्स। हाँ, ये सच है, 90 मार्क्स इस स्टूडेंट के आए हैं। ठीक है, तो आज इस वीडियो में हम इसकी कॉपी एनालाइज करेंगे। और देखो, पर्पस ये है कि इसने ऐसा क्या अलग लिखा है जिससे कि हम सीख कर अपने जो आंसर्स हैं जो हम लिखते हैं तो हम उनको इम्प्लीमेंट कर सकें ताकि हम भी स्कोर कर लें। पढ़ना तो मेजर पार्ट है ही, आपको पूरा अच्छे तरीके से आना चाहिए, लेकिन दूसरा जो इम्पोर्टेंट पार्ट है इस एग्जीक्यूशन और इम्प्लीमेंटेशन, वो किस हद तक हम कर पाते हैं और क्या क्या चीजों का हमें ध्यान रखना है ओवरऑल, वो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है ये वीडियो। एंड डू लाइक शेयर सब्सक्राइब। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोज में करा है, जो सजेस्टेड आंसर है हम उससे ही इसको इवेल्युएट करेंगे, क्रॉस चेक करेंगे कि क्या टाइप के क्वेश्चन थे, क्या आंसर, किस तरीके से आंसर लिखने थे और इस बच्चे ने कैसे लिखे हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो हाँ, 90 मार्क्स GIGL में आराम से आ सकते हैं। आपके सामने आंसर शीट है, सर्टिफाइड कॉपी है, इस बच्चे के आए हैं तो सबके आ सकते हैं। ठीक है, देखो वही चीज, सबसे पहले तो इसने 100 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट किया है, जो मैंने कल की अपनी वीडियो में भी बोला था। कल मैंने SBEC की कॉपी इवैल्यूएट करके एनालाइज करके आपको दिखाई थी, एक बच्चा जिसके 39 मार्क्स थे और एक जो बिल्कुल 753 पे था। ठीक है, इसने भी 100 मार्क्स का अटेम्प्ट किया है और हर क्वेश्चन में इसमें देखो फुल, इसमें फुल, इन सब में फुल। तो अप्रोक्स इसके लिखने की एक तरीका है जिससे मैं खुद इंप्रेस हुई कि आप जितना क्लियरली लिखोगे और जितना अच्छे से आप प्रेजेंट कर पाओगे, आप बताना कुछ चाहते हो लेकिन सामने वाला वो सेम सेंस में नहीं समझ पाता क्योंकि आप उसको लिख नहीं पाते हो। ठीक है, आपके माइंड में आंसर एक्यूरेट है बिल्कुल, बट जब तक आप उसको उसी तरीके से प्रेजेंट नहीं करोगे सब कुछ बेकार है, वर्थलेस है। ठीक है, चलो सबसे पहले हम क्वेश्चन देखते हैं। और देखो, रैशनलाइजेशन मॉडर्नाइजेशन के उस पर -9 कर दिए हैं, बट एक्चुअल जो मार्कशीट में जो अवॉर्डेड है वो 90 मार्क्स हैं। वो तो थोड़ा रिजल्ट निकालने के उसमें यूनिफॉर्मिटी पे मार्क्स डिक्रीज भी होते हैं और इंक्रीज भी होते हैं, तो इसलिए घबराना मत कि हमेशा डिक्रीज ही होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मे बी इसके मार्क्स 90 थे तो थोड़ा सा रिजल्ट शो करने के लिए इंस्टीट्यूट ने डिडक्ट कर दिया। देखो, जैसे मैंने आपको कल की क्लास में ही बताया था, कल की वीडियो में, आपको आंसर इस तरीके से लिखना है, बिल्कुल बीच में 1A। ठीक है, और जो भी क्वेश्चन है, मैं पहले आपको क्वेश्चन दिखाती हूँ यहाँ पे। ये देखो क्वेश्चन क्या है हमारा, डिस्कस द डॉक्ट्रिन ऑफ स्टेयर डिसाइसिस अंडर द सोर्सेज ऑफ लॉ। जो आपका सोर्सेज ऑफ लॉ वाला चैप्टर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसमें ना आप GIGL में जो एक प्लस पॉइंट है ये है कि ज्यादातर इसमें कैसे आते हैं क्वेश्चन, आपके डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि ऑल टुगेदर जो आपका इसमें लॉ है वो टफ है। ठीक है, तो बहुत सारे आपके डॉक्ट्रिन होंगे और वो आपके रिट्स हैं, तो उनको एक्सप्लेन करने के लिए उन पे शॉर्ट नोट या इस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं। जैसे कि ये भी एक काइंड ऑफ शॉर्ट नोट ही है, डिस्कस करना है आपको ये डॉक्ट्रिन। ठीक है, तो इस बच्चे ने कैसे प्रेजेंट कराया, अभी देखो, इसने सबसे पहले ऊपर लिखा बिग बोल्ड, बोल्ड लेटर्स में, कैप्स में तो नहीं है, हाँ कैप्स में है, बोल्ड लेटर में इसने अच्छी तरीके से लिखा है ताकि पता चल जाए कि हम ये एक्सप्लेन करने वाले हैं। यहां से स्टार्ट किया इट मींस, और इन्वर्टेड कॉमास भी लगाते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं बता दूं, ये स्टार्टिंग से ही जिस तरीके से इसने अपनी प्रैक्टिस फॉलो करी है पूरे आंसर्स में, इन्वर्टेड कॉमा जहां लगने वहां लगाए हैं। ठीक है, और जिस चीज पे एम्फेसिस करना है, करवाना है एग्जामिनर को, वो उसने अंडरलाइन किया है। ठीक है, गलत चीज को अंडरलाइन मत कर देना, जो चीज आपको लगता है कि इंपॉर्टेंट और आपने बिल्कुल सही लिखी है उसको अंडरलाइन कर दो, ताकि जो चेक कर रहा है, एग्जामिनर चेक कर रहा है, उसकी एकदम नजर जाए उस पर। ठीक है, जैसे इन्वर्टेड कॉमास लगाए, तो इस तरीके की प्रेजेंटेशन ना बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड खासकर GIGL में, क्योंकि वहां पर आपको बिल्कुल एक्यूरेट लॉ ही लिखनी होती है ना। ये तो मीनिंग है आपका बुक में जो गिवन है, फिर इट मीन सिमिलर केसेस शुड बी ट्रीटेड अलाइक। ठीक है, और जैसे मैंने कल आपको बताया था पॉइंटर्स, ये आपको ध्यान रखने हैं, आपको आंसर पॉइंटर्स में लिखना है ताकि आप ज्यादा मार्क्स फेच कर सको। अगर आप बिल्कुल विदाउट स्पेसिंग, अगर आपने जैसे सपोज यहाँ पे स्पेस नहीं दिया, नो स्पेसिंग, और मैं यहीं से स्टार्ट कर देती, तो क्या आपको मजा आता? नहीं, पढ़ने वाले को बिल्कुल मजा नहीं आता। इसलिए क्लियरली जब आपको लगे कि हाँ आपने एक मीनिंगफुल सेंटेंस और स्मॉल पैराग्राफ कंप्लीट कर लिया है, सेट ऑफ 3 लाइंस 4 लाइंस एज द केस में भी, उसके बाद एक लाइन छोड़ो, उसके बाद दोबारा स्टार्ट करो। और ये देखो पॉइंट, इन सब चीजों की ना वेटेज होती है, इन चीजों की अपनी वैल्यू होती है ओवरऑल प्रेजेंटेशन में, तभी मार्क्स आते हैं। और जैसे मैं आपको दिखा दूं कि कितने मार्क्स का था, 5 मार्क्स का था, और इस बच्चे ने कितने लिखे हैं पॉइंट्स, वन टू थ्री फोर फाइव पॉइंट्स लिखे हैं, क्योंकि GIGL में ना आप ज्यादा वैसे लिख भी नहीं सकते हो, डॉक्ट्रिन एक्सप्लेन करना था, उसने पूरा डॉक्ट्रिन जो है वो इस तरीके से 5 पॉइंट्स में समराइज करके
लिख दिया, ठीक है। ये इसका फर्स्ट क्वेश्चन था, उसको कितने मार्क्स मिले? 4 मार्क्स मिले। क्लियर है ना? 4 मार्क्स मिल गए। अब सेकंड क्वेश्चन देखो, मैं सिर्फ आपको कैसे लिखना है राइटिंग टिप्स बता रही हूँ, वो भी जो एक्चुअल में सर्टिफाइड कॉपीज हैं, जिन बच्चों के एक्चुअल में इतने अच्छे मार्क्स आए हैं ताकि आप उससे सीख सको। 1B इसमें क्या था क्वेश्चन देखो, राजस्थान, ये एक तरीके से केस स्टडी वाला क्वेश्चन था, ठीक है। और इसमें इसने लिख दिया पिथ एंड सब्सटेंस रूल रेफरिंग टू द केस लॉ ऑन दिस पॉइंट। तो आपको समझ में आ गया कि हाँ यार ये वाला तो पॉइंट है, तो सबसे पहले केस को हटाकर इसने सबसे पहले इसको एक्सप्लेन करना और उसके आगे प्रोविजन लिख दिया कि जो भी हम केस के रेफरेंस में बात कर रहे हैं और जो क्वेश्चन में भी मेंशन्ड है उस प्रोविजन की एक्सप्लेनेशन ये है। एंड अगेन देखो इन्वर्टेड कॉमास बेटा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन्वर्टेड कॉमास क्या डिपिक्ट करते हैं कि जिस तरीके से ये एक्सप्लेनेशन गिवन है वो एज इट इज है, उसमें हम कुछ चेंजेस नहीं कर सकते। इट मीन्स दैट विच वी कांट डू डायरेक्टली इज ऑल्सो कांट डू इनडायरेक्टली। ये टोटल आपका एक्सप्लेनेशन है, तो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर उसको आप अपने वर्ड्स में फिर एक्सप्लेन कर सकते हो। सो दैट विच रूल स्टेट लेजिस्लेचर इज नॉट कॉम्पिटेंट टू पास लॉ, देन स्टेट कैन नॉट पास लॉ फॉर दैट इनडायरेक्टली, ठीक है। फैक्ट्स ऑफ द केस इसने अब एक्सप्लेन किए हैं देखो, ठीक है। तो सबसे पहले इसने क्या करा कि जो भी प्रोविजन पूछा गया था क्वेश्चन में वो उसने प्रोविजन लिख के उसके कंटेक्स्ट में उसको एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है, विद दैट टू इन्वर्टेड कॉमास। जो चीज सबसे पहले अच्छे से आती है वो लिखो, और वैसे के वैसे ही लिखो। जे जेएल में थोड़ा सा क्या होता है, ये थोड़ा ट्रिकी चैप्टर है आपका सोर्सेज ऑफ लॉ एंड ऑल, क्योंकि उसमें लॉ थोड़ा टफ है, ठीक है। राजस्थान लेजिस्लेचर जो भी आपका ये पूरा आपका केस लॉ था वो एक्सप्लेन किया, एंड लास्ट में सी इसने कंक्लूजन लिखा। यहाँ पे कंक्लूजन थोड़ा सा इसका गड़बड़ हो गया, दैट्स वाई इसको 2 मार्क्स मिले इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में। बट वे ऑफ आंसरिंग इज एक्सीलेंट। नाउ 1C, अब क्वेश्चन है आर्बिट्रेशन का। आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट आपको डिस्क्राइब करना है अंडर सेक्शन 7 ऑफ आर्बिट्रेशन कंसिलेशन एक्ट 1996, ठीक है। आर्बिट्रेशन मीन सेटल द डिस्प्यूट आउटसाइड द कोर्ट, सेटल डिस्प्यूट। अब एक चीज और यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जैसे मैं आपको बोल रही हूँ कि इन्वर्टेड कॉमास इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और आपको वो लिखना जरूरी है। बट ध्यान रखो, अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर था पिथ एंड सब्सटेंस, ठीक है, उसका जो मीनिंग था इन्वर्टेड कॉमास में जो गिवन था उसमें अगर आपको एक वर्ड भी यहाँ पे एक वर्ड भी आप कंफ्यूज हो ना कि आएगा कि नहीं आएगा, तो कृपया करके इन्वर्टेड कॉमास करके ना लगाएं, क्योंकि उसमें क्या बेसिक क्या होता है कि इन्वर्टेड कॉमास में जो भी कंटेंट होता है, जो भी मीनिंग होता है, वो एज इट इज होता है, आप उसको चेंज नहीं कर सकते और ना वो आपका ऑल्टर हो सकता, क्योंकि ऑल टुगेदर जो उसका सेंस है वो खराब हो जाएगा। तो एज अ लॉ स्टूडेंट आपको इस चीज का ध्यान रखना है, अगर आप सपोज आपको ये एक्यूरेट स्टेटमेंट नहीं आती तो इन्वर्टेड कॉमा मत लगाओ, ऐसे ही फ्लो में एक्सप्लेन कर दो, उसके मार्क्स डायरेक्ट नहीं होंगे, बट ये जो चीज है इसका नेगेटिव इंप्रेशन जाएगा, ठीक है। अब जैसे आर्बिट्रेशन है, इसकी डेफिनेशन, और देखो ये आप हर क्वेश्चन में हर आंसर में इसका देखना, एक तो जो भी चीज ये बच्चा एक्सप्लेन कर रहा है इसको बहुत ही बोल्ड लेटर्स में बड़ा बड़ा लिखा है ताकि दूसरे समझ में आ जाए, फिर उसको अंडरलाइन भी कर रहा है, ठीक है, प्रॉपर स्पेसिंग भी है एंड पॉइंटर्स में आंसर दिया हुआ है। इससे क्या होता है ना, प्रॉपर प्रेजेंटेशन होती है, सामने वाले को फटाफट समझ में आ जाएगा कि हाँ दे मस्ट, मतलब पता चला जाएगा। कल जो मैंने आपको कॉपी दिखाई थी, कल जिन बच्चों ने अभी नहीं देखी एसबीसी के एनालिसिस, वो जरूर देखना। उसमें मैंने 2 कॉपीज को कंपेयर किया है, सेम अटेम्प्ट का है, सेम सब्जेक्ट का है, उसमें आप एक कॉपी से ये देख सकते हो कि किस तरीके से प्रेजेंट करना है और दूसरी कॉपी से क्या कैसे प्रेजेंट नहीं करना है और क्या उसके ड्रॉबैक्स होते हैं, वो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। तो जिन बच्चों ने भी वो वीडियो नहीं देखी है उसको देख लेना, उससे भी आपको काफी सीखने को मिलेगा। और उसमें मैंने आपको लास्ट में बहुत सारे यू नो टिप्स भी बताए हैं कि आपको इन चीजों का ध्यान रखना है। नॉर्मल बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, बच्चों के मिथ्स होते हैं कि यार इस तरीके से करेंगे तो क्या रहेगा सही, या फिर अगर हमने सीक्वेंसिंग में नहीं आंसर अटेम्प्ट किया तो क्या होगा, तो वो मैंने सारे मिथ्स भी वहां पे एक्सप्लेन किए हैं, तो उस वीडियो को जरूर देख लेना, डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसने फिर आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट एक्सप्लेन किया है 3 पॉइंट्स में और फिर उसके एसेंशियल्स। तो एक तरीके से संभव इसने पूरा जो एक ही पेज में, अगर मैं इसको लगाऊं एक ही पेज में 5 नंबर का बहुत सुंदर तरीके से इसने एग्जीक्यूशन कर दिया है, प्रेजेंट कर दिया है, और 5 में से 5 इसको पूरे बच्चे को मिल गए, ठीक है। 5 मार्क्स का था, फुल मार्क्स मिले। अब डिस्क्राइब द रूल ऑफ रीजनेबल कंस्ट्रक्शन अंडर द इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स। ये आपका आंसर टू क्वेश्चन नंबर 1D, ये बहुत अच्छी तरीके से लिखा हुआ है, बट यहाँ पे थोड़ा सा मुझे ये लगता है कि फ्रेश पेज से आंसर स्टार्ट करना चाहिए हमेशा, यहाँ 2 लाइन के चक्कर में लगता है ये क्या वेस्ट होगा, बट कोशिश करो कि अलग पेज से स्टार्ट करो, फ्रेश पेज से। अब देखो रूल ऑफ रीजनेबल कंस्ट्रक्शन बहुत अच्छी तरीके से पूरा का पूरा लिखा है, एंड फर्स्ट 2 लाइन्स पढ़ के ना पता चल जाता है कि भाई एक्यूरेट होगा फुल आंसर या नहीं होगा। और देखो जिस तरीके से इसने पूरा एक्सप्लेन किया है,
इसको इसमें भी फुल मार्क्स मिलते हैं, 5 out of 5। ठीक है, तो यही कुछ टिप्स हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। एक आटम घटी इसकी हो गई, ठीक है, वो तो पूरा पेज एक क्रॉस लगाओ सिर्फ। अगर आपसे कहीं पे कुछ कट भी जाता है ना, ये टिप ध्यान से सुनो, अगर किसी बच्चे का कुछ भी गलत हो जाता है, गलत तरीके से लिखा जाता है, तो आप स्लाइटली ऐसे, अगर आपका सिंगल है तो एक लाइन करो। कुछ बच्चे ऐसे ऐसे कर देते हैं, ये बहुत अनटाइडी लगता है, ठीक है, तो सिंपली एक लाइन डालो, स्ट्राइक कर दो और उसको समझ में आ जाएगा कि हाँ आपने गलती से लिख दिया। अब यहाँ पे एक चीज देखो, आपने देखा यहाँ पे इस बच्चे ने आंसर टू क्वेश्चन नंबर 2A1, और यहाँ पे क्या है, ये चीज बहुत ध्यान से सुनना, आंसर टू क्वेश्चन नंबर 2A, यहाँ पे इसने लिखा, या तो मीनिंग कुछ और समझ लिया। क्वेश्चन देखते हैं पहले हम, एक्सप्लेन द रोल ऑफ प्रीएम्बल इज एज इंटरनल एड इन इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूज, दो द प्रीएम्बल कैन नॉट बी यूज्ड टू डिफेक्ट द एनएक्टिंग क्लॉज ऑफ स्टैट्यूज, इट हैज बीन ट्वीटेड टू बी अ की फॉर द इंटरप्रिटेशन ऑफ द स्टैट्यूज एग्जामिन। ठीक है, कितने मार्क्स का है, 4 मार्क्स का है। अब इसके लिखने से यहाँ पे हो गई गलती, समझो इसने गलत समझा या क्या करा, एक्यूरेट नहीं लगा, इसने काट कर यहाँ पर देखो क्या नोट लिखा है, इसको अच्छे से देखना, मैं इसको हाईलाइट कर देती हूँ। आंसर टू क्वेश्चन नंबर 2A1 इज ऑन एक्स्ट्रा शीट पेज नंबर 4, क्लैरिकली मिस्टेक बाय मी, सॉरी, छोटा शॉर्ट नोट लिख दिया ताकि एग्जामिनर को चेकिंग में या कंफ्यूजन ना हो या दिक्कत ना हो, तो एक छोटा सा शॉर्ट नोट लिख दिया कि ऐसे ऐसे है, और यहाँ उसने स्ट्रेट अवे जो आपका सेकंड ए का सेकंड पार्ट है वो स्टार्ट कर दिया। तो ये एक अच्छा जेस्चर भी है, क्योंकि जो एग्जामिनर चेक कर रहा है उसको अननेसेसरी ना तो कंफ्यूजन होना चाहिए, कंफ्यूजन होगा तो आपका ही लॉस है, और ना ही इरिटेशन होनी चाहिए, ठीक है, कि वो कंफ्यूज हो जाए, क्योंकि होगा क्या, वो उसको ट्रीट करके कभी वो आंसर बिल्कुल ही निगलेक्ट कर दे या बिल्कुल ही उसको जीरो दे दे, इसलिए इसने पर्टिकुलरली ये चीज मेंशन कर दी है। पार्ट 2 दोबारा इसने स्टार्ट करा यहाँ से और अटेम्प्ट किया, ठीक है, तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको कोई चीज कट करनी है तो आप कैसे करोगे, अगर आपसे कोई गलती हो गई तो वहां पे एक छोटा सा एक लाइन में लिख दो ताकि एग्जामिनर को क्लियर हो जाए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स हैं जो इस कॉपी से हमें देखने को मिली हैं, ठीक है। अब इसने फिर पूरा अपना करा, इसमें भी इसको 4 में से 4 मिल गए। ये 3rd क्वेश्चन है, अब देखो यहाँ पे भी मैं आपको दिखाऊं, तो सेम प्रोविजन रिलेटिंग टू पर्सन अंडर लीगल डिसेबिलिटी, दीज सेक्शंस 6, 7, 8 अप्लाई फॉर द एक्सटेंशन ऑफ पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर द पर्सन लीगल डिसेबिलिटी, मतलब बहुत ही क्लियरली लिखा हुआ है, तो मार्क्स क्यों नहीं मिलेंगे। जब आप एक्यूरेट लिखोगे, टू द पॉइंट लिखोगे, सही लिखोगे, तो मार्क्स क्यों नहीं मिलेंगे, मार्क्स मिलेंगे। इसलिए GIGL में 90 मार्क्स लाना या किसी भी और सीरियस एग्जीक्यूटिव के या CS के पेपर में 90 प्लस लाना मुश्किल नहीं है, बस उसके पीछे आपकी कैसी प्रिपरेशन है, हार्डवर्क, एग्जीक्यूशन, प्रेजेंटेशन, सब कुछ मैटर करता है, ठीक है। जब उसने ऊपर लिखा इस क्वेश्चन में कि सेक्शन 6, 7, 8 इंप्लाई होते हैं, तो सेक्शन 6 एक्सप्लेन किया एप्लीकेबिलिटी एंड ऑल, ठीक है, सेक्शन 7 एक्सप्लेन किया एंड सेक्शन 8 एक्सप्लेन किया, और 4 में से 4 मिल गए। इसको वो थोड़ा और कट शॉर्ट कर सकता था, बट नेवर माइंड, पूरा अच्छी तरीके से इसको 4 out of 4 मिल गए, ठीक है। तो ये हो गया आपका ऑल्टरनेटिव क्वेश्चन, आपका ये, तो मतलब ऐसे तो पूरी कॉपी ही इसकी टू द पॉइंट है, अच्छी प्रेजेंटेशन है, जो मेन मेन पॉइंट है वो मैंने आपको बता दिए। अब जैसे ये सेट ऑफ है, इट इज रेसिप्रोकल इक्विंटल ऑफ डेट, ये ना पॉइंट्स में लिखो, पर्टिकुलरली उसमें स्पेसिंग दो, सिर्फ घसीट मार के पूरा का पूरा वो पैराग्राफ में नोट कर देना वो नहीं। देखो एसेंशियल्स, पहले उसको मीनिंग समझा, फिर एसेंशियल्स, और फिर बिल्कुल जैसे आपकी बुक में प्रिंटिंग होती है वैसे करा हुआ है, और राइटिंग भी ऐसी नहीं है, हाँ थोड़ी सी और हो सकती थी, लेकिन यार राइटिंग सबकी अलग अलग होती है, लेकिन हर एक वर्ड समझ में आ रहा है, इतना है कि क्लियर है वर्ड्स, ठीक है। तो आई होप आपको इससे काफी कुछ सीखने को मिला होगा, ठीक है। देखो इसमें भी मेरे ख्याल से पूरे पूरे मार्क्स हैं, और पैटर्न पूरी कॉपी में सेम है कि पहले आपको बोल्ड लेटर्स में लिखना है, फिर उसको अंडरलाइन करना है, फिर सब पॉइंटर्स में लिखना है, स्पेसिंग देनी है, अगर आपसे कुछ गलती जाती है तो आप अपना एक नोट लिख दो नीचे एक लाइन में, ताकि उसको एग्जामिनर को चेक करने वाले को कोई कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। बस यहाँ पे एक चीज है जो मैं नोटिस कर रही हूँ, एक तो क्वेश्चन फ्रेश पेज से स्टार्ट नहीं हो रहा है, तो वो आपको फ्रेश पेज से स्टार्ट करना है, एंड सेकेंडली थोड़ा सा जब आप काटो, अगर कुछ गलती हो जाती है तो जैसे मैंने आपको बताया, थोड़ा सा उसको नीटली कट करो, घुचो पुचो मत मचाओ उसमें, ठीक है। अदरवाइज जैसे यहाँ पे मचा रखा है ना ये वाला, इसको ऐसे कर दो, सिंपल एक स्ट्राइक आउट।
आप पूरी कॉपी को मैं दिखा देती हूँ, पूरी कॉपी देखो। देखो ऐसी तो मेरे पास काफी कॉपी है जिसमें कंपनी नॉर्मल भी 70 मार्क्स हैं एंड एसबीसी में 64, मतलब अबव एग्जेम्पशन है, सब बच्चों की एग्जेम्पशन आ रखी है, उन बच्चों की भी मेरे पास कॉपीज हैं। बट ये जो 90 वाली थी ना, ये कुछ एक्सेप्शनल लगी मुझे, जो तरीका वगैरह सब, और दैट टू की आपके मार्क्स भी शो हो रहे हैं कंटेंट के साथ। ऐसा भी नहीं है कि कंटेंट फालतू का लिखा और मार्क्स ऐसी चेक कर दिए, हर चीज परफेक्टली की हुई है तभी मार्क्स मिले हैं। देखो इसमें 16, आई डोंट नो कौन सा ये क्वेश्चन है, ये 2A का है, अच्छा 4 परपसिव रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन जो पीछे था वो इस बच्चे ने जो गलत लिख दिया था, उसने कहा था कि पेज नंबर 4 पे आपको मिलेगा सेकंड कॉपी के, तो हियर इट इज, और यहाँ पे इसने पूरा ये लिख दिया, इसमें 4 में से 4 मिल गए मार्क्स। ठीक है, देखो इंस्टीट्यूट की है, ICSI की कॉपी है, सर्टिफाइड ट्रू कॉपी। ठीक है, एंड ये चीज है, तो जितने भी मैंने इसमें पॉइंट्स बताए हैं या जो मैंने कल प्रीवियस वीडियो में आपके लिए राइटिंग टिप्स बताई हैं, उनको जरूर 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 फॉलो करना। ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपके मार्क्स नहीं आ सकते, जो भी प्रिपरेशन हो चुकी है अभी तक 80%, 90%, 100%, 70%, जितना भी हो रखा है उसको बहुत अच्छे से रिवाइज करो, प्रैक्टिस करो, जितना लिखोगे उतना ज्यादा अच्छे से आप रिकॉल कर पाओगे इन मेन एग्जाम। ठीक है, अभी कुछ ही दिन बचे हैं, बस स्टिक टू दी, पढ़ते रहो बस, अगर मन भी नहीं भी करता है ना तो बस पढ़ते ही रहो, ये देखते हुए कि हाँ हमें 25 अगस्त को अपना रिजल्ट जो है पॉजिटिव देखना है और अपने पेरेंट्स के फेस पे स्माइल देखनी है। ठीक है, तो ऑल द वेरी बेस्ट, स्टे ट्यून्ड, आगे बहुत अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आने वाली हैं। मैं कंपनी लॉ के जो जैसे मैंने क्वेश्चंस कराए थे ऐसे ही काफी और जो रिविजनरी वीडियोज हैं वो लाइंड अप हैं, तो सब्सक्राइब करो चैनल को एंड स्टे ट्यून्ड। बाय बाय।